गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते। एंड दिवाली से पहले दो बारी कुणाल अंकल का फोन आया कि आंटी प्लीज सत्संग शेयर करिए, बट उस टाइम आई थिंक गुरु जी की आज्ञा के बिना, जैसे मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, तो उस टाइम शायद मुझे आज्ञा नहीं मिली थी। बट आई एम सो थैंकफुल गुरु जी, आपने मुझे आज फिर से इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ बिताए हुए कुछ पल अपने लाइफ के शेयर करूं। बिकॉज गुरुजी ने जैसे कहा है कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कुछ रिपीटेड सत्संग भी होते हैं हम लोगों के ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने हमारे साथ गुरुजी की जर्नी रही है वही बताते हैं, बट उसमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जितनी बारी सुनेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। एंड सत्संग हमारे दिन साथ अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं आए दिन होते हैं। एंड आजकल जो मैं संगत देख रही हूँ जो गुरुजी से नहीं मिली चोले में बट उसके बाद जुड़े हैं, जो उनके सत्संग सुन के मुझे इतनी हैरानी होती है कि गुरुजी आप तो मतलब उन्होंने आपको देखा भी नहीं कभी चोले में, आपसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उस संगत का। दैट्स व्हाई इट इज सेड कोई नया नहीं है इस दरबार में, कोई पुराना नहीं है। गुरुजी ने एक बार अपनी शरण में जिसको लिया है उनके लिए सब एक जैसे हैं। सो आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी कुछ गोल्डन मोमेंट्स जिसको मैं बोलती हूँ, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि गुरुजी ने कहते ना सच्चे गुरु का संग मिलने में वक्त तो लगता है, वक्त लगा बहुत इधर उधर भटके, बट फिर भी गुरुजी ने बहुत टाइमली हमें अपने उस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के नीचे शरण दी एंड अपने फोल्ड में लिया। एंड वी स्टार्टेड प्रिटी यंग, ये नाता तो उनके साथ जन्मों जन्मों का है। आई एम श्योर वो हम ना कभी पूछते हैं गुरुजी से, उन्हीं को पता है। बट यस, जब हमने कहते हैं ना समझ आई कि यस, शब्द भी सुनते थे पहले, सब कुछ करते थे, पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो हर एक शब्द का, हर एक लाइन का मतलब एक समझ आता है, हमारे आंसर्स देता है हर एक शब्द, गुरबानी में व्याख्या या गुरुजी के स्वरूप से अगर आप हम बात करते हैं तो हर एक चीज अब हमें गुरुजी से ही कनेक्टेड लगती है। सो आई विल स्टार्ट माय जर्नी विद गुरुजी। गुरुजी से हम मिले उनके चोला छोड़ने के कुछ समय पहले, कुछ नहीं पता था कौन। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, मेरे फादर काफी जाते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कभी इसके पास चले गए, किसी ने ये बोल दिया पहनने को, वो स्टोन बोल दिया। सो यू नो दैट रन ऑफ द मिल थिंग जो आई थिंक सभी करते हैं। बट एक पूर्ण गुरु हमें प्राप्त होंगे ये हमें कभी आइडिया नहीं था। सो हम एक दिन मेरे मामा जी जो बहुत टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए थे वो मेरे डैड के मेरे फादर के घर आए एंड एक महाशिवरात्रि का कार्ड था उनके हाथ में। तो ऐसी बातें हो रही थी, मेरे फादर कुछ मेंटल टर्मोइल से गुजर रहे थे उस टाइम, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। सो उन्होंने कार्ड दिया, कहते हैं ये गुरुजी है, इनका महाशिवरात्रि का फंक्शन है, ये कार्ड लो और आप आओ उसमें, पर पहले उससे मैं आप आई वांट कि आप गुरुजी के एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में आओ। सो मेरे पेरेंट्स चले गए वहां गुरुजी के पास एंड दो तीन बारी गए। फिर उन्होंने गुरुजी क्या होता था जो संगत या कभी कोई ओकेजन या शादी होती थी तो संगत गुरुजी से कार्ड प्रेस कराते थे, तो ऐसी एक रैंडमली कार्ड गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को भी दिया जिसमें गुरुजी उस शादी में गए थे संगत की एंड मेरे मम्मी पापा ने उस शादी अटेंड की। फिर महाशिवरात्रि का फंक्शन अटेंड किया एंड उसके बाद जब एक बारी उनसे आज्ञा ले रहे थे वो लंगर खाने के बाद, तो गुरुजी ने मेरे फादर को बोला आंदे रहा करो, वड्डे मंदिर आओ एंड तुम्हारी डायबिटीज आज तो खत्म। मेरे पापा को कुछ ज्यादा समझ नहीं आई बट गुरुजी के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते थे ऑब्वियसली, ना कोई क्वेश्चन पूछते जब तक गुरुजी हमसे बात ना करे, एज वी ऑल नो। सो मेरे पापा चुपचाप अपने घर आए एंड आज की डेट में माय फादर इज 80 प्लस एंड शुक्राना गुरुजी का, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीज, उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सो गुरुजी के पास फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि चलो तैयार हो जाना, हमने गुरुजी हैं उनके पास जाना है। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं? कहते नहीं बस गुरुजी हैं, कुछ नहीं, कोई पत्नी नहीं लेनी, कुछ नहीं ना। मैं कहा चलो फिर हाथ दिखते होंगे, ना समझी थी हमारी बिकॉज तो कहते हैं बस तैयार हो जाना। तो मैं और मेरा बेटा ही वो 7 ईयर्स देन हम उनके साथ चले गए एंड मेरे हस्बैंड गए हुए थे, मेरे फादर इन लोग काफी बीमार थे उन दिनों, सो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए थे उनको मिलने।
सो मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया आप ये जगह है एम्पायर स्टेट, देखते तो बहुत थे एम्पायर स्टेट आते जाते रस्ते में, पर कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे इतना हेवनली एक मंदिर है हमारे गुरुजी महाशिव का। सो मैंने कहा आप यहाँ आ जाना, एंड आई वॉज वेरी मच अंदर से बड़ी हलचल मच रही थी मुझे, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ऐसे बिलीव नहीं करते थे हर एक चीज में, तो मेरे को था पता नहीं वरुण आएंगे तो मैं खुद ही नहीं जानती थी जगह कैसी है। एनीवे हम गए वहां पे गाड़ी पार्क करके, जब अंदर जा रहे थे जैसी जैसी नजदीक आते गए छोटे मंदिर के, इतनी प्यारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस एंड शब्द वाणी की इतनी आवाज आ रही थी, बिकॉज गुरुजी बहुत ऊंची वॉल्यूम पे सुनते थे, कहते थे लगवाते थे शब्द। सो हम अंदर, मैंने मम्मी को पूछा क्या जगह, मम्मी कहती यही गुरुजी का मंदिर है, छोटा मंदिर बोलते हैं। तो जब मैंने एंटर किया तो उन दिनों आई थिंक मुश्किल से 50 संगत होती होगी, 100 भी मैं अगर कह जो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। सो अपना वो जितना एम्पायर स्टेट का हॉल है उसमें दोनों तरफ बैठे होते थे एंड संगत सारी, एंड डीजे अंकल बैठे होते थे, वो शब्द वाणी अपना चलाते थे। सो जब जैसे मैंने एंटर किया मैंने देखा साइलेंस में सब लोग बैठे हैं एंड सब मगन थे शब्द वाणी में, इतना सुंदर। मैंने जैसे उस दरबार में एंटर किया अगा मगोचरा तेरा अंत ना पाया चल रहा था, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। एंड मैंने पहले संगत को देखा, आई वॉन्टेड टू जस्ट सेटल माई सेल्फ कि मैं कहाँ बैठूं। तभी सिंगला अंकल और जोशी अंकल मैंने देखा सेवा कर रहे थे जल प्रसाद और चाय प्रसाद की, उन्होंने बोला आंटी अच्छे बैठ जाओ। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि आंटी मैं तो इतनी बड़ी लगती भी नहीं, पर वो गुरु जी का तरीका था सबको एड्रेस करने का, वो मेरे बेटे को भी अंकल कह रहे थे, हमने कुछ नहीं पूछा। सो वी वेंट एंड सैट देयर जहाँ उन्होंने बिठाया, बिकॉज देख के पता चल रहा था उस दरबार में बहुत डिसिप्लिन है, सो जो बोला गया है वही करना। एंड नो मोबाइल फोन्स वर अलाउड इन दैट दरबार, कोई चिट चैटिंग नहीं, कोई सोशलाइजिंग नहीं। सो वी जस्ट वेंट एंड सैट, एंड जब मेरी नजर पड़ी गुरुजी की गद्दी पे, आई सॉ रेडियंट गुरुजी, इतनी ब्यूटिफुल स्किन कॉम्प्लेक्शन, सिटिंग इन अ ब्यूटिफुल रेड कलर चोला, एंड आई वॉज लाइक ये गुरुजी है, हमें तो नहीं पता था कि हमारे सामने, तो हम तो एक सचखंड के दरबार में और हमारे सामने भगवान शिव जी का अवतार बैठे हुए। सो आई जस्ट वेंट एंड सैट एंड मैं गुरुजी में बिल्कुल जैसे खो गई, मैं इतनी मगन हो गई कि मतलब मैं वो आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो वहाँ चाय प्रसाद हमने कंज्यूम किया, फिर हमने पहले जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाके जो एम्पायर स्टेट में जैसे जाते हैं वो पैरापिट सा बना हुआ है मैं उस पर बैठ गई, बिकॉज मेरे को लगा मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो मेरे को कहाँ देखेंगे ढूंढेंगे, सो वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, मेरे हस्बैंड की बैक सर्जरी हुई थी, तो मैंने कहा मैं वहीं जाके बैठ जाती हूँ, आई विल आस्क हिम टू सिट देयर। बाहर भी कुछ कुछ संगत बैठी हुई थी वरांडा में। सो मेरे हस्बैंड आए और बैठे, तो मैं पहले उन्होंने जाके मत्था टेका एंड बाहर आके वो बैठ गए। सो जब बैठे थे तो मैं मन ही मन सोच रही थी, मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मुझे तो उस जगह पे आना है, मुझे नहीं पता किसी तरह आना है, बस वरुण मान जाए। एंड दैट वाज द डे एंड टुडे इज द डे। मेरे हस्बैंड बहुत जुड़े हुए हैं गुरुजी से, एंड ना उन्होंने कुछ पूछा ना कुछ बोला, पर हफ्ते में गुरुजी का आदेश होता था, चार दिन दरबार लगता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और चार दिन हम वहीं पहुंचे होते। सो क्या होता था, एवरी सैटरडे एक नॉर्म था हमारा कि हम पार्टिंग करने जाएंगे, कभी इस क्लब में जैसे यंगस्टर्स करते हैं, यंग कपल्स, सो कभी यहाँ कभी दिल्ली का हर एक क्लब ज्वाइन किया हुआ था। बट गुरुजी के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ, गुरुजी ने ऐसे अपनी तरफ खींचा हमें कि हमारे सैटरडे नाइट्स वर कन्वर्टेड, द क्लब नाइट्स वर कन्वर्टेड इनटू स्पेंडिंग टाइम विद गुरुजी इन हिज दरबार, हैविंग द डिवाइन लंगर प्रसाद एंड सीकिंग हिज ब्लेसिंग। पता कुछ नहीं था संगत जी कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी होती थी कि गुरुजी से हम बात करेंगे, प्रॉब्लम्स हम सबको कुछ ना कुछ लाइफ में रहती हैं, बट एक होता था ना कि गुरुजी इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हमारे दिल में कोई बात है हम उनसे कैसे करेंगे, पता कुछ नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, पर जाना बहुत अच्छा लगता था। एंड गुरुजी का वो रोज एक नए चोले में उनका इतना ब्यूटिफुल चेहरा देखना, तो सुबह जिस दिन जाना होता था सुबह से ही हम इतना एक्साइटेड होते थे, मेरी मम्मी सिस्टर नीस हम सब जाते थे, सो आज गुरु जी के यहाँ जाने, आप सारे काम टाइम पे खत्म कर लो, शाम को जाने। सो वी यूज टू बी देयर और 9:30 बजे तक वहां पे गुरु जी हमें लंगर तक जो बैठते थे, फिर हम अपने घर आ जाते थे। सो हम गुरु जी के साथ जैसे बिजी हो गए थे बहुत, एंड वी वर लविंग इट, ऐसे लग रहा था जैसे वहां जाके हम अपने सारे, मतलब वहां जाके संगत जी लगता ही नहीं था, कोई घर से इतना होता है कि
यू नो ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन कुछ कभी कोई टेंशन है, लाइफ इज अ बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो तभी हम अपने कर्म कटवाने आए हैं. बट अकल कुछ नहीं थी कि ये गुरुजी तो महाशिव हैं जो हमारे 90% कर्म कटवा देंगे. बस हमें एक यही लालच रहता था गुरुजी हमसे बात कब करेंगे, बिकॉज हम देखते थे कि कोई उनके पांव दबा रहा है, कोई उनके पैर की मालिश कर रहा है, चरण दबा रहा है, कोई उनका हाथों को मसाज कर रहा है, बट हमें लगता, और गुरुजी किसी के कान में बात कर रहे हैं, मैं अगर एक संगत से बात कर रही हूँ, मैं अगर उनके बिल्कुल नजदीक भी बैठी हूँ, मुझे वो आवाज नहीं आती थी, बिकॉज मे बी दैट मैसेज नॉट वॉज नॉट मेंट फॉर मी टू हेयर. जबकि कभी कभी पीछे बैठे संगत को भी वो मैसेज पहुंच जाता था, बिकॉज जिसके लिए जिसको गुरुजी ने जो मैसेज देना है वो उनके अपने तरीके होते हैं पहुंचाने. ऐसे हम जाते रहे हफ्ते में. फिर हमने देखा ये कॉन्सेप्ट के चार जने एक थाली में से लंगर खा रहे हैं, बहुत नया कॉन्सेप्ट था हमारे लिए, बट वी यूज टू लव इट. एंड लंगर बहुत सिंपल होता था, दो दो रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद एंड चटनी प्रसाद, एंड एक मीठा होता था. सो अपना हम चुपचाप अपना लंगर खाया, उसके बाद हम हैंड वॉश करने जाते थे बाहर, वापस आके गुरुजी के चरण स्पर्श करके जिसको गुरुजी बोलते थे कि रुक जाओ बैठ जाओ वो बैठते थे, पर हमें गुरुजी ने हमेशा आज्ञा देते थे ठीक है अब जाओ. सो वी यूज टू कम. कभी कभी गुरुजी बिठा भी लेते थे पर बात कभी नहीं की, बट अंदर यही होता था हम जैसे संगत जी ब्लैंक स्लेट होती है ना, कि वी वर लाइक अ ब्लैंक स्लेट एंड एक्चुअली गुरुजी ने ही हमारे लेख लिखे. सो जाते थे रोज. एंड एक दिन ऐसी बात करते थे मैम, अच्छा हम जब घर जाते थे तो गाड़ी में हम होते थे, हमारे हाथों में एक बारी हमने नोटिस किया, मेरे मम्मी और मेरे हाथों में इतनी फ्रेग्रेंस जो बिल्कुल गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां होती थी, कोई ज्यादा फ्लावर डेकोरेशन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बट वो गुरुजी का अपना एक कनेक्ट करने का एक जरिया होता है संगत से, एंड इतनी फ्रेग्रेंस होती थी. सो वी यूज टू वंडर कि फ्रेग्रेंस यहाँ तक कैसे लिंगर ऑन हो रही है गाड़ी, हम तो इतनी दूर हैं, वी आर हाफ वे टूवर्ड्स आवर हाउस एंड इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है. सो वो हमें फिर भी कुछ नहीं पता था कि ये गुरुजी का कनेक्ट करने का अपने से तरीका है. उसके बाद एक दिन हम गाड़ी में बात कर रहे हैं कि गुरुजी हमसे कब बात करेंगे, गुरुजी संगत से क्या बातें करते होंगे, हम उनको उनके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. मेरी मम्मी कहती है इतना डिसिप्लिन होता है दरबार में, हमें तो डर लगता है गुरुजी से बात करने में भी. गुरुजी एज वी ऑल नो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वाज अ बिग डिसिप्लिनेरियन. सो हमने कहा चलो जब बात करनी होगी कर लेंगे, बट जाना इतना अच्छा लगता था वहां. आप यू सी द ब्यूटी ऑफ इट कि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, पर जब हम वहां जाके बैठते थे हम इतना रम जाते थे, लगता था कि वहां से उठने का मन ही नहीं करता था. मैं तो गुरुजी से बहुत नजर मिलाने की कोशिश करती थी जब मैं बैठी होती थी, पर आई जस्ट कुन सी इन हिज आईज, बिकॉज इतना उनके आंखों में तेज था. बट गुरुजी इतनी स्वीट स्वीट स्माइल देते थे, कभी गाल पे हाथ रखे है, सब देखते सबको थे एक ही बारी में, वो तो भगवान है सो सबको एक ही बारी में देख लेते थे, पर ऐसे हर टाइम ऐसे लगता था गुरुजी हमारे को ही देख रहे हैं. आई डोंट नो, आई थिंक हर संगत का यही एक्सपीरियंस है कि सबको लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, बट जब जाने का टाइम होता था लगता था नहीं गुरुजी और रोक लो, अभी तो मन ही नहीं भरा, फिर हम नजर चुराने लगते थे. बट ऑफकोर्स जब आदेश होता था तो जाना ही पड़ता था अपने घर, बिकॉज वो चाहे आप एक मिनट बैठो चाहे दो घंटे बैठो, गुरुजी ने जितनी ब्लेसिंग देनी है उतनी ही देनी है. सो एक दिन हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए एंड हमने देखा हॉल बिल्कुल खाली था, दरबार में सिर्फ डीजे अंकल थे. सो हमने पूछा उनसे, अंकल आज दरबार लगेगा? कहते हाँ हाँ गुरुजी अभी आएंगे, अभी तो संगत आनी शुरू होगी. तो हम बैठ गए जो किचन के बाहर जो साइड बोर्ड है उसके सामने हम बैठ गए. एंड तभी हमने देखा एक कपल और आए संगत, एंड देन वी सॉ सडनली गुरुजी वॉकिंग इनसाइड, अंदर आ रहे हैं दरवाजे के, वेयरिंग अ ट्राउजर, ग्रे कलर की ट्राउजर थी मुझे याद है, बहुत कलरफुल स्पोर्ट्स शूज थे और कॉलर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, और हंसते हंसते गप्पे मारते हुए अपना आ रहे थे संगत के साथ, सेवादार थे संगत थे, आई डोंट नो बट देयर वर फ्यू पीपल अराउंड हिम. एंड बहुत बहुत डैशिंग लग रहे थे, बहुत हैंडसम, मैं तो देखती रह गई बिल्कुल. एंड जैसे ही आए वो बैठ गए सामने उस साइड बोर्ड पे, एंड ही वॉज गोइंग ऑन स्माइलिंग. सो सॉरी, उससे एक दिन पहले एक्चुअली गुरुजी से हमारा इंट्रोडक्शन क्या हुआ था, जिस दिन हम गए थे उससे एक दिन पहले गुरुजी ने कहा था, जब हम चरण स्पर्श करने गए थे, ए कौन है? तो मेरे मामा जी आए हुए थे उस दिन, तो कहते हैं सबरवाल फैमिली है, मेरी सिस्टर है गिनी.
तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में जाते हुए बोला कि इंट्रोडक्शन कुछ सही नहीं हुआ, मेरा सबका नाम अलग अलग से गुरुजी को बताना चाहिए था, बिकॉज वी वर एक्चुअली फूल्स, हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी को तो सब पता है, वो जान ही जान है, बट ऑफकोर्स हमें इतनी समझ ही नहीं थी। सो मम्मी कहती है बेटे जब मौका मिलेगा हम आपका भी इंट्रोडक्शन अलग से करा देंगे। सो नेक्स्ट डे गुरुजी आए और बैठे एंड हंस रहे थे बहुत। सो ही कॉल्ड, हम सब उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए एंड नमस्ते, उन दिनों हम नमस्ते गुरुजी बोलते थे। सो मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया कि उरे आ, एज इन कम कम हियर, कम टुवर्ड्स मी। सो मेरे हस्बैंड बिल्कुल उनके पास जाके खड़े हो गए एंड गुरुजी कहते हैं अपना नाम दस, की नाम है तेरा, आई मीन व्हाट्स योर नेम। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण, कहते हैं पूरा नाम दस, मतलब पूरा नाम बताओ, तो कहते हैं वरुण जीत सिंह सरा। सो माई हस्बैंड इज अ जट सिख, तो कहते हैं अच्छा ते तू सरदार है ते मेरे, एंड जब भी जितनी बात की हंस रहे थे, आई मीन पूरा मिस्चीवियसली स्माइल कर रहे थे। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार हैगा, तो मैं पग नहीं बंदा पर, तो कहते हैं हाँ मैं भी सरदार है, मैं भी कभी पग नहीं बंदी, मतलब मैं भी सरदार हूँ पर मैंने भी कभी पगड़ी नहीं पहनी, हंसने लग गए। फिर कहते हैं अच्छा कितों पे तेरा पिंड दस, तो मेरे हस्बैंड ने अपना पिछला पिंड बताया पंजाब में कहाँ से है, वेयर इज फैमिली हेल्स फ्रॉम, एंड कहते हैं अच्छा क्या करता है। तो मेरे हस्बैंड पहले पायलट थे, सो ही वाज होल्डिंग अ कमर्शियल पायलट फ्लाइंग लाइसेंस, तो वो फ्लाइंग सीखने पहले लुधियाना काफी साल रहे, लुधियाना एंड सानेवाल एंड देन ही वेंट टू यूएस। सो कहते हैं मेरे हस्बैंड ने सारा बताया जी मैं अब मेरा बिजनेस है, पहले मैं फ्लाइंग करता था, आई वाज अ पायलट, फिर कुछ मेडिकल यू नो इशू हो गया था मेरे हस्बैंड को मेजर, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाए, सारा बताया उन्होंने। तो कहते अच्छा ते लुधियाने रहा है तू, सानेवाल होते मेरे डुगरी दे बड़े नेड़े है, मलेरकोटला कदे नहीं आया। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं गया हूंगा या आई मे हैव फ्लोन अक्रॉस बट मैं मतलब वहां रुका नहीं कभी। सो कहने ने अच्छा डुगरी या मलेरकोटला चक्कर लगा, मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है जी आवांगा, एंड फिर कहते हैं अच्छा जा अपनी जगह पे खड़े हो जा, एंड मेरे हस्बैंड खड़े हो गए आके अपनी जगह पे। फिर गुरुजी ने बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा एंड स्माइल करते हुए कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखा था। मैंने भी बड़े हंसते हंसते बोला, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ, एंड हम जैसे मतलब ही वॉज लाफिंग, हम लोग भी हंस रहे हैं। सो मेरे को इतनी खुशी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि आज तो गुरुजी ने बात की और गुरुजी इतने अच्छे मूड में इतने स्माइल करके बात की है, पर उस टाइम ये समझ नहीं आया कि चंगा मुंडा है एदा ध्यान रखा कर में भी उन्होंने एक हमें ब्लेसिंग दी थी। उनके ब्लेसिंग देने के तरीके, उनकी बात जो बोलते थे गुरुजी, उसमें उन्हीं को पता था व्हाट ही मींस, राइट। सो मैं कहा हाँ जी, एंड बट हम गाड़ी में जब आ रहे थे वापस, हमने हम इतने हैरान हो रहे थे, हमने कहा हम तो गाड़ी में बात कर रहे हैं कि गुरु जी से इंट्रोडक्शन अलग से कराएंगे, अपना नाम बताएंगे, सो हाउ डिड गुरु जी नो। मेरी मम्मी कहती है हम तो वहां किसी से बात भी नहीं करते, किसी संगत से, बिकॉज एज गुरु जी ऑर्डर हम आपस में सोशलाइज करना अलाउड नहीं है, तो कौन बताएगा गुरु जी को कि हम अपना इंट्रोडक्शन मतलब मेरे हस्बैंड अपना इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे थे अलग से। बट दैट टाइम लिटिल डिड वी नो कि गुरु जी इज अंतर्यामी। सो ऐसे गुरु जी हमें बुलाते गए और हम जाते गए, एंड फिर एक दिन गुरु जी ने हमें अप्रैल में बैसाखी आई, हमें बैसाखी के कार्ड मिले जो आज भी मेरे पास है, दैट्स अ वेरी वेरी प्राइज पोजेशन। सो वो कार्ड मिले कि गुरु जी विल ब्लेस हिज संगत इन हिज बिनाइन प्रेजेंस। सो जिस दिन फंक्शन था हम बड़े एक्साइटेड, प्यार व्यार होके बड़े मंदिर गए, वहां का नजारा इतना सुंदर था, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, एंड मुझे याद है जब हम एंटर करने वाले थे दरबार में, तो हम जब थोड़ी थोड़ी संगत का लाइक यू नो बंचेस में भेजे थे कि इतनी संगत जाओ, फिर इतनी डिसिप्लिन इतना था एंड इतना सिस्टमैटिक, आज भी हम बड़े मंदिर जाते हैं इतना सिस्टम के साथ सब कुछ चलता है। सो जैसे हमारी टर्न आने लगी तो हमें रोक लिया गया दरबार के मेन हॉल पे कि गुरु जी आ रहे हैं आप रुक जाओ। सो वी सॉ गुरु जी, वो जो व्हाइट डबल डोर है जहां से नीचे जहां डीजे अंकल बैठते हैं, उस दरवाजे से गुरु जी चल के आए येलो चोले में एंड लुकिंग सो हैंडसम सो ब्यूटिफुल। आके उन्हें पहले गद्दी सेंटर में होती थी, सो वो अपना आके बैठ गए गद्दी पे, एंड उसके बाद हमें बोला कि ठीक है आप जाइए आप। सो हमने जाके उनके चरण स्पर्श किए एंड वी वॉक आउट ऑफ दैट वाइट डोर, एंड उसके बाद बाहर खूब सारे शामियाने लगे हुए थे, वहां पे लंगर बट रहा था, सो हमने लंगर खाया,
सब किया एंड वी केम बैक. इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम बैसाखी फंक्शन स्पेंड एंड बहुत रौनक लगी हुई थी, बहुत रौनक पड़े मंदिर में. सो फिर एक दिन जब हम गए तो हमने देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे एंड ही वॉज गिविंग A4 साइज के स्वरूप बांट रहे थे. तो जैसी सब लाइन में खड़े थे, सो लाइन में जब हमारा टर्न आया तो उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी एंड ही गेव अस अ स्वरूप विच आई स्टिल हैव टुडे. एंड फिर जब हम एग्जिट करते हैं एम्पायर स्टेट से, वहां सिंगला अंकल कटते हैं, वो भी खूब सारे उनके हाथ में स्वरूप थे, छोटे बड़े यू नो पोस्ट कार्ड साइज. सो वो भी देते. तो मैंने सिंगला अंकल को बोला, लालच आया कि और मिल जाए. मैं कहा अंकल मैं और ले सकती हूँ? सो कहते हाँ हाँ लो लो और ले लो. सो वी गॉट मोर स्वरूप्स एंड उसके बाद वो लेके हम घर आए, हमने फ्रेम कराए. वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी ने इतने स्वरूप दिए. सो आई थिंक उसके थोड़े टाइम बाद हमें पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली. सो वन फाइनली वी जस्ट गॉट टू नो, हम जैसे हम बिल्कुल हिल गए थे. वी वर डिस्ट्रॉट, मतलब बहुत ही दुखी सारे. सो आई एम श्योर जो जो संगत मिली हुई है गुरु जी से, दे वुड बी एबल टू रिलेट यू नो टू माई थिंकिंग. सो मे बी गुरु जी समाधि लेने से पहले अपने स्वरूप के थ्रू इतने दे के हमें एक ब्लेसिंग दे के गए कि ही न्यू ऑफकोर्स के उन्होंने चोला छोड़ना है. सो आज वो जो स्वरूप है वो एक उनकी गुरुजी तो कहीं गए नहीं, ओमनी प्रेजेंट है आज भी हमारे घर में, बट वो साक्षात गुरुजी ही है हमारे घर. सो उसके बाद हमारा एम्पायर स्टेट जाना नहीं हुआ, पर यस हम बड़े मंदिर जाते थे काफी. एंड फिर वहां भी जाना कम हो गया. एक वो एक वैक्यूम सा लगता था कि गुरुजी तो है नहीं, यू नो गुरुजी तो गद्दी पे नहीं है. बट फिर मेरे मामा ने बोला मेरी मम्मी को कि गुरुजी तो किथे नहीं गए, गुरुजी ते उनकी तो पावर्स और जो उनके यू नो मिरेकल्स हैं और बढ़ जाएंगे. बिकॉज आप देखो गुरुजी ने कहा था लाइना लगाएंगे. आज तो हम खुद ही देखते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गुरुजी का बर्थडे या क्या है, बट हम नॉर्मल डे पे भी जाओ तो संगत कितनी होती है. सो उसके बाद जैसे गुरुजी से एक, मैं ये नहीं कहूंगी कनेक्ट खत्म हो गया या क्या था, बट एक वो लगता था कि नहीं गुरुजी तो कहाँ हो गुरुजी आप. सो 2015 में मेरे हस्बैंड काफी बीमार हुए एंड उनको न्यूमोनिया हुआ जिससे उनकी किडनीज पे काफी असर आया एंड बहुत क्रिटिकल थे मेरे हस्बैंड. कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया. सो लास्ट जो एक रिजॉर्ट था, हमने गुरुजी के कहते हैं ना प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, सो लिटरली हमने गुरुजी पे सौंप दिया कि गुरुजी आपने ही ठीक करना है. सो गुरुजी ने ही उनको बचाया. ये जो आज टचवुड टुडे ही इज हेल्दी एंड टचवुड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का. गुरुजी ही थे जो हमें उस मुश्किल से निकाल के बाहर लाए. बहुत बहुत डिफिकल्ट पीरियड हमने देखा, बट आज शुक्राना, कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाला. फिर हमारा थोड़े साल पहले एक बहुत भयानक मेजर एक्सीडेंट हुआ एंड जिस एक्सीडेंट का मुझे एक अंकल मिले थे रामगढ़ में, नैनीताल के पास एक जगह है एंड मुझे नहीं पता था उस जगह पे गुरुजी गए हुए हैं. मैंने भी लस्सी आंटी के सत्संग में सुना कि रामगढ़ बहुत जाते थे, बट उससे पहले सत्संग मैंने बाद में सुना. जब मैं रामगढ़ पहुंची, एक रेणु आंटी है वेरी डियर संगत फॉर मी लाइक माई मदर, उनको मैंने जब बोला कि आंटी मैं रामगढ़ आई हुई, कहती तुम तो गुरुजी के यू नो फेवरेट जगह पे गई हुई हो. सो वहां पे मुझे एक अंकल मिले, सरदार जी अंकल, जो वो भी हॉलीडे के लिए आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ. ही वॉज वेरी ओल्ड 80 प्लस अंकल एंड उन्होंने हमें ऐसी हमसे बातें करने लगे एंड कहते हैं पुत्र मैं फेस रीडिंग करना एंड मैं इसका चार्ज, मतलब कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, आई डोंट चार्ज और एनीथिंग, बट कुछ यू नो आई फील समथिंग एंड आई फाइल लाइक अ पर्सन के आप लोग बहुत अच्छे भले लोग हो एंड पता नहीं मेरा दिल कह रहा है मैं आपसे बात करूं, मेरे को कुछ यू नो इंट्यूशंस हैं. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सो ही टोल्ड माई हस्बैंड दैट आपका एक्सीडेंट होगा, चाहे आप गाड़ी चला रहे होगे चाहे नहीं चला रहे होगे, एक्सीडेंट लिखा है एंड जस्ट बी केयरफुल पर आप बच जाओगे.
एंड दैट अंकल हैड मेट गुरुजी, वो गुरुजी को एक बार मिल चुके थे। सो हम बातें कर रहे थे एंड मेरे को कहते हैं, अच्छा वो गुरुजी की मैंने बात की उनसे, कहते अच्छा वो सोने जय गुरुजी जो बड़े हैंडसम बड़े सोने सोने चोले पांदे सी वही गुरुजी छतरपुर वाले। मैं कहा हां जी, मैं कहा तुसी के किस तरह जान दे उन्होंने। कहते पुत्र मैं तो उन्होंने मिलिया होया। कहते आई डोंट फॉलो हिम एज सच बट मैं उन एक किसी रिश्तेदार के थ्रू उनसे मिला था दिल्ली में उनके मंदिर में, एंड मैं काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा था एंड उन्होंने मुझे इतना कहा था कि अपने पास बुला के कहा था जा कल्याण कित्ता ऐश कर टेंशन ना लाया कर। कहते मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आई थी वो क्या बोला। कहते पर वो मेरी प्रॉब्लम अगले दिन ही बिल्कुल जैसे मतलब गायब ही हो गई जो इतना मेरे भारी प्रॉब्लम मेरे पे चल रही थी। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि गुरु जी कहते संगत के रूप में आते हैं किसी भी रूप में आके हमें कनेक्ट करके हमारे से हमसे बात करके जाते हैं। सो आई फेल्ट हमारा जब एक्सीडेंट हुआ तो आई जस्ट ज्वाइन द डॉट्स एंड मैंने कहा वो अंकल गुरु जी को मिले हुए थे, वो अंकल मुझे रामगढ़ में मिले एंड ही जस्ट इन्फॉर्म्ड अस कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा बट यू विल बी सेव्ड। सो यू नो इट वॉज अ गुरु जी मैसेज फॉर अस। सो लाइक दैट वो एक्सीडेंट इतना भयानक था संगत जी, पर हमें एक खरोच तक नहीं आई। हमारी गाड़ी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चकनाचूर हो गया था सब कुछ, एयरबैग्स खुल गए थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी वी केम आउट कम्प्लीटली स्क्रैचलेस। एंड वहां पे एक ऑन द स्पॉट एक कपल आके रुका हमारे लिए जो हमारी हेल्प करी जिन्होंने काफी, वो भी एक गुरु संगत थे। सो गुरु जी किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। उसके बाद एक बारी मैं जा रही थी अपनी बेटी के स्कूल। सो मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, कोई मेरे को किसी की डेथ की न्यूज सुनी थी तो आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। तो जैसे मैं टर्न ले रही थी स्कूल के लिए मैंने देखा एक बाइक आ रही है दूर से, काफी दूर थी बाइक, बट मुझे लगा कि चलो मैं फटाफट क्रॉस करके स्कूल की तरफ निकल जाऊंगी, बट बाय चांस वो बाइक इतना तेज आई एंड मेरी गाड़ी पे लगी एंड वो बंदा नीचे गिरा। सो वो कहते हैं आपको देख नहीं रहे, यू नो हाउ इट इज माई कंट्री में कैसे वो देखा अकेली लेडी चला रही है। सो सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए एंड आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आप अंग संग होना, आप यही होना, प्लीज हेल्प मी। यू वोंट बिलीव, वो गांव वाले कहते हैं शीशा नीचे करो ये करो यू नो, मेरे को लगा मेरी गाड़ी पे कुछ करेंगे जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। बट उसने तभी दो यंग लड़के आए, वो कहते क्या हो रहा है यहाँ पे, हटो यहाँ भीड़ हटाओ एंड जाने दो उनकी गाड़ी। सडनली एवरीबडी द एंटायर यू नो भीड़ स्कैटर्ड एंड मेरी गाड़ी को स्कूल तक जाने दिया। सो मैंने दिल से सच्चे दिल से गुरुजी को याद किया, गुरुजी तो वाकई में प्रकट हो जाते हैं आप दिल से याद करो तो। सो उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी को कोविड हुआ। सो जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की एंड काफी काफी उनके रिपोर्ट्स खराब आ रही थी। सो वन डे जब रिपोर्ट आई मैं काफी डर गई थी एंड आई जस्ट सेड, रात को मेरा थोड़ा रोना सा निकल गया एंड मैंने बोला गुरुजी को मन ही मन में, गुरुजी प्लीज आप तो हमारे अंग संग हो मुझे पता है पर यू हैव टू गिव मी अ प्रूफ, आज तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे मेरी मम्मी के आप सपने में आओ चाहे कुछ भी हो, आप ये बताओ उन्हें आके कि वो यू नो हॉस्पिटलाइज भी होंगी शील बी फाइन। सो फिर मैंने गुरुजी से मंत्र जाप किया और सॉरी मांगी। आई वाज रियली क्राइंग बिकॉज आई जस्ट, मैं अपनी मम्मी के पास भी नहीं जा सकती थी, बीमारी ऐसी थी, ऑल आई कुड डू मैं बस उनको खाने बेचती थी यही हेल्प कर सकती थी। सो मैंने माय मम्मी पास में रहती है मेरे। सो रात को मैंने कहा सॉरी गुरुजी मैं आपसे क्यों प्रूफ मांग रही हूँ, आप तो मतलब मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ कि आई एम वेरी सॉरी, बहुत सॉरी मांगी मैंने गुरुजी से और मैं सो गई। रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, उन्होंने दिखाया सत्संग की तैयारी हो रही है और मैं गुरुजी की गद्दी से जा रही हूँ एंड आई वोक अप वेरी हैप्पी नेक्स्ट डे। सुबह सुबह मैंने मम्मी को फोन किया एंड मम्मी को बोला मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, गुरुजी ने दर्शन दिए सपने में। तो कहते हैं ना साक्षात दर्शन होते हैं, वो एक मतलब सपना नहीं होता। एंड मेरी मम्मी घर में अंडर होम आइसोलेशन बिल्कुल ठीक हो गई, बिकॉज शी इज 75+ एंड शी रिकवर्ड कम्प्लीटली अंडर होम आइसोलेशन बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी। सो ऐसे अभी मैं आपको कुछ रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ जो हमारे साथ हुए। पहले हमारे घर में सबको जैसे वायरल चल रहा था, वायरल हुआ एक एक करके सबको हुआ, मेरी बेटी को दो बारी हुआ, फिर मेरा हाउस हेल्प है जो ही कुक्स फॉर अस एंड वो एक फैमिली की तरह है हमारे वो लड़का,
एंड वो जहाँ पहले काम करता था वो भी गुरु संगत घर में काम करता था। तो जब वो मेरे यहाँ आया उसने देखा गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, तो कहता है मैम जहाँ से मैं काम करके आया वो मैडम भी बहुत मानती थी गुरु जी को। सो जब भी मैं सत्संग करती हूँ ही नोज पे कैसे क्या करना है सफाई से सारा, बिकॉज मुझे सफाई बहुत पसंद है और उसको पता है कि गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी को सफाई बहुत पसंद है, आई ऑलवेज टेल हिम। सो कहते हैं हाँ जी मैम मुझे पता है कि कैसे लंगर करना है क्या करना है कैसे। वो जब वायरल हुआ मेरी हम सबको घर में, फिर एंड में उसको भी हुआ। एंड मैंने उसको बोला तुम, उसका कमरा ऊपर टेरेस पे है, सो मैंने कहा तुम बिल्कुल जितने दिन भी ठीक नहीं होते तुम आराम करो एंड आई विल कुक द फूड। सो मैं खाना बना रही थी उन दिनों एंड उसको हमने डॉक्टर को दिखाया सब किया। सो डॉक्टर सेड कि अगर 2 दिन में बुखार नहीं होता था तो इसका डेंगू का कोविड का सब टेस्ट होगा, बट 2 दिन तो नॉर्मल जैसे वायरल होते हैं। थर्ड डे उसकी हालत काफी खराब होनी शुरू हो एंड डॉक्टर मतलब थर्ड डे तो फिर हम टेस्ट कराए, टेस्ट की रिपोर्ट तो अगले दिन ही आनी थी। सो रात को मैं जब सोने लग गई तो मैंने ऐसे गुरु जी माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब था, हमने उसको बोला हुआ था कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमें फोन कर देना, ज्यादा बुखार बढ़ गया है कुछ है सो वी विल गेट यू हॉस्पिटलाइज्ड और समथिंग। बट वो हमने हम हर एक घंटे बाद में उसका फोन करके, मेरा बेटा मैं मेरा हस्बैंड उसका फीवर मॉनिटर करते थे हर एक घंटे बाद। सो रात को मैंने कहा कि बात ऐसी करी थी गुरु जी से, आई वाज टॉकिंग, मैं कहा गुरु जी अगर इसको ज्यादा तेज बुखार हो गया, इसने हमें फोन नहीं किया सो आई मीन आई होप ही कॉल्स मी एंड लेट मी नो, आई होप बुखार तेज ना हो जाए बिकॉज अगर इसको पट्टी की जरूरत पड़ेगी कुछ है तो हाउ वुड वी नो उसका इतना तेज बुखार हो गया। सो ये करके मैं कहा गुरु जी आपको आप ही संभालो, ये करके मैं सो गई। रात को उसको 104 के ऊपर बुखार गया नेक्स्ट, फिर उसने मैंने फिर मैं मतलब मेरी रात को मैं जैसे अर्ली मॉर्निंग हुई मैंने उसको फोन किया, कहते मैम रात को बुखार बहुत तेज हो गया था मेरा 104, सो आपने जो दवाई दी हुई है मैंने वो खा ली थी। तो उसके बाद अगले दिन मुझे पूछता है कि मैम एक बात करना था, मैंने कहा बोलो फोन पे, तो कहते मैम रात को छत पे कोई आया था क्या? एंड मैंने उसको एक छोटा सा स्वरूप दिया हुआ था गुरु जी का, वो हमेशा अपने साथ रखते, वो अपने गांव भी गया पिछली बारी, गुरु जी का ब्रेसलेट गुरु जी का स्वरूप साथ लेके गया, मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया, उसकी मदर को डायबिटीज है तो मैं कह अपनी मम्मी को पिलाना। सो उसकी श्रद्धा इतनी ही है गुरु जी में। सो मैंने उसको जब उसको वायरल हुआ तो मैंने उसको बोला कि ये स्वरूप तुम अपने सरहाने के नीचे रखो और मंत्र जाप, उसको सिद्धार्थ मोहन वाला मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा ये सुनो यही तुम्हारी दवाई है, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो एंड वही तुम्हें ठीक करेंगे, वायरल है यू डोंट हैव एनी डेंगू एंड कोविड सो ये अपना टाइम लेके जाएगा, बट वो बहुत घबरा जाते हैं जल्दी। सो जब उसने मुझे पूछा मैम रात को कोई आया था छत पे, मैं कहा नहीं छत पे कौन आएगा रात, कहते नहीं मैम 2:30-3 बजे कोई कभी मतलब जैसे भैया छोटे भैया या बड़े भैया तो नहीं आए, मैंने कहा नहीं रात को तो कोई नहीं आया, कहते नहीं मैम किसी ने आके मेरी ठंडी मेरे सिर पे पट्टियां करी है ठंडी ठंडी और बहुत एक सॉफ्ट सा हाथ, जब मेरे को जब 104 बुखार हुआ मेरी नींद खुली और मुझे लगा मेरे सर के ऊपर किसी ने बहुत सॉफ्ट हाथ किसी ने रखा हुआ है और को मेरी पट्टियां कर रहे, मैं तो एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई। उस टाइम मुझे इतना स्ट्राइक नहीं किया, फिर कहते उसके बाद मैंने छत पे पूरे चक्कर लगाया कि शायद भैया आए होंगे या कोई, मैंने कहा नहीं ऊपर तो कोई नहीं आया। देन आई जस्ट रियलाइज मैं तो रात को गुरुजी से बात करके सोई थी कि गुरुजी अगर उसको पट्टी करने की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी होगा आप ही ध्यान रखना। सो उसकी श्रद्धा बहुत है गुरुजी में एंड गुरुजी ने उसको एक्चुअली आके दर्शन दिए। कहते मैम मेरा बुखार वैसे इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रहा था बिकॉज वायरल में अपना टाइम लेता है बुखार नीचे आने में, कहते पर मैम 104 से मेरा बुखार इतनी जल्दी नीचे आया कि मैं इतना फ्रेश फील कर रहा था, मैं तो टेरेस पर घूम रहा था रात को। सो मैंने कहा तो गुरु जी तुमको दर्शन देके गए। सो आप ये देखिए संगत जी, गुरु जी डजंट सी कि किसका क्या स्टेटस है, वो हमारे भाव और हमारा दिल देखते हैं कि हमारा दिल कितना सच्चा है ना। सो गुरु जी ने उसको दर्शन दिए। उसके बाद जब वो ठीक होके नीचे आया अपने 4-5 दिन बाद, अच्छा जो भी मैं खाना बनाती थी वो मैं गुरु जी को भोग लगाती थी एंड मैं उसको वही देती थी, हम सब भी वही खाते थे, हम उसको देती थी, मैंने कहती थी ये प्रसाद है लंगर है इसको खाओ तुम इसी से ठीक होगे। सो जितने दिन मैंने बनाया मैं गुरुजी को वही भोग लगाती एंजल प्रसाद बना के उसको। सो हमारे गुरुजी कहते हैं ना तुसी डॉक्टर अपना काम करेंगे, तुम अपने को सरेंडर कर दो बाकी तुम मैंने करना है। सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी हैव टू प्रैक्टिस। सो उसके बाद जब वो नीचे आया ठीक होके
वो मुझे कहते हैं मैम आप उसको पता है सत्संग में मतलब मेरा तो होता है कि हर महीने कर लो सत्संग, पर वो गुरु जी की आज्ञा होती है तो करते, नहीं तो नहीं। मैं कहते हैं आप सत्संग करने का सोच रहे हो? एंड एक्चुअली मैंने सोचा था मैं सितंबर एंड में सत्संग करूंगी, मैं कहा सोच तो रही थी छोटा सा सत्संग यू नो थोड़ी संगत बुला के। कहते नहीं मैम आप सत्संग कर लो, बिकॉज मुझे सपने में गुरु जी आए हैं कि और मैंने देखा आपके यहाँ सत्संग हो रहा है हमारे घर, और मजेंटा कलर का चोला लगा हुआ है और गुरु जी के चरणों में व्हाइट फूल रखे हैं। मैं कहूँ तो बहुत अच्छा सपना आया तुमको। कहते मैं वैसे भी हम सब इतना वायरल शायरल से गुजरे हैं, सो अब हम सब ठीक हो गए हैं, तो एक शुक्राना का आप सत्संग करो। मैं कहा ये बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, चलो ये भी शायद गुरु जी का एक मैसेज है, तुमने सपने में देखा तो जरूर करेंगे। सो हमने डेट रखी 28 सितंबर को। मैंने सबको जो जो संगत आनी थी उनको बोल दिया कि मेरे यहाँ सत्संग है एंड इस डेट पे एंड आप आइए। संगत जी 21 को मेरे बेटे को फीवर चढ़ता है एंड बहुत तेज फीवर, हेडेक। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर जो भी उसके सिम्टम्स थे डॉक्टर कहते हैं एक कोविड का टेस्ट करा लो एंड डेंगू बहुत फैला हुआ है, डेंगू का टेस्ट करा लो। डेंगू का टेस्ट कराया, डेंगू पॉजिटिव। आई वाज लाइक गुरु जी अब क्या होगा, बट सब कहते हैं अच्छा सेवेंथ डे तक ठीक हो जाता है। मैं कहा कोई बात नहीं गुरु जी, सत्संग तो मुझे पता है होगा, एक डे पे है ना मेरा बेटा मत्था टेक लेगा फिर जाके ले। मतलब मैं तो इतना पॉजिटिव सोच रही थी, हालत काफी खराब थी मेरे बेटे की, कुछ नहीं खाया उसने 7-8 दिन उस लड़के ने कुछ नहीं खाया संगत जी। सो एज अ मदर आप इमेजिन कर सकते हो मेरा हाल क्या हो रहा होगा, ऐसे था जैसे मेरी भूख मर गई है। मैंने उसके कमरे में मंत्र जाप लगाया, 1 घंटा मंत्र जाप चलता था, 1 घंटा सुखमनी साहब का पाठ चलता था। सिर्फ मैंने अपने बेटे को बोला बेटे तुम्हें सुखमनी साहब का पाठ जितना समझ आता है, नहीं आता कोई बात नहीं तुम्हारे कानों में पड़ेगा, दिस इज योर मेडिसिन। मैंने उसके पास स्वरूप रखा, गुरु जी का स्वरूप तो मेरे यहाँ हर कमरे में लगा हुआ है, बट स्टिल एक छोटा सा स्वरूप उसको दिया। मैंने कहा ये रखो बस एंड जस्ट बिल्कुल अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक करो, कुछ मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ गुरु जी की तरफ ध्यान दो। ये स्वरूप लगा है, तुम जब आके तुम्हारी खुली होती है सिर्फ स्वरूप को देखो एंड टॉक टू गुरु जी। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट। काफी हालत खराब थी, जो थोड़ा बहुत खाता था ही वॉज एक्चुअली ईटिंग लाइक अ बर्ड, यू नो जो थोड़ा बहुत खाता था कहता था मुझे वॉमिट आ जाएगी। So only he was only on a liquid diet, नारियल पानी, ORS, this was his only diet and थोड़ा बहुत अगर फ्रूट खा लिया तो खा लिया। सो काफी घबरा गए एंड मेरे को लगा कि अब यू नो प्लेटलेट्स नीचे जा रहे थे, पर गुरु जी ने इतना ध्यान रखा कि ऐसे नीचे नहीं गिरने दिए प्लेटलेट के, हॉस्पिटलाइज वाली स्टेज आ जाए। सो सब ने काफी हेल्प की, यू नो फ्रेंड्स ने सब ने के यू नो ये पिलाओ उसको वो करो, जो हम कर सकते थे हमने करा। बट डॉक्टर को मैंने पूछा, डॉक्टर ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। मैंने कहा क्या करें, कहते जस्ट पेशेंस, हैव पेशेंस। मैं कहा ये तो कोई जवाब नहीं है ना, एक पेरेंट के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम सारे बहुत डिस्टर्ब थे। फिर मुझे रेनू आंटी ने बताया उनका एक डॉक्टर है जो नेफ्यू जो उनका नंबर दिया कि आप इससे बात करो, रिपोर्ट भेजो एंड ये आपको you know there's always a second opinion and guruji really really blessed that doctor ke unhone mujhe dawai batai, kehte it's a you know symptomatic fever hota hai to isme jo jo aapko condition hai uske hisab se dawai di jati hai, so agar wo vomit kar raha hai to aap vomit ki dawai do, and we gave him. Next day he felt much better and usne khana apne aap manga, ha theek hai main thoda khana kha lunga, and he was on the road to recovery. Platelets bhi ekdam, एक दिन मैं बहुत रोई, आई जस्ट लाइक बहुत कंट्रोल किया हुआ था, पर एक दिन मेरा इतना रोना निकल गया। मैंने कहा गुरुजी आई डोंट नो, मैंने आप पे ही सब छोड़ा हुआ है, आप ही मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हो, पर आज मैं इसे रुका नहीं जा रहा। आई लिटरली क्राइड एंड मैं कहा गुरुजी प्लीज। एंड नेक्स्ट डे जब हमने कराया तो प्लेटलेट्स काफी अच्छे रेंज में इंक्रीज हो चुके थे। सो शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने अच्छा सत्संग 28 को 27 को उसकी काफी हालत खराब हुई, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया प्रजना से, मैंने कहा कि ये सत्संग आई थिंक हमें पोस्टपोन करना चाहिए। फिर मैंने रेनू आंटी को फोन किया, रेनू आंटी कहती है बेटे मत करो क्योंकि बच्चा बीमार है, बच्चा ही नहीं ठीक होगा तो कैसे करूंगा, मेरा बेटा मेरे बच्चे बहुत सेवा करते हैं जब भी सत्संग होते हैं। सो कहते हैं कि वही बीमार है तो मतलब कैसे करोगे, गुरु जी अभी नहीं कराने से चाह रहे होंगे तो तुम ऐसा करो, पता नहीं आंटी की मुंह से क्यों निकल गया, तुम 7 अक्टूबर कर लो। मैं कहा चलो, मैंने सबको
पर अंदर से डर लगा हुआ था कि गुरु जी पहली बारी है कि मेरे यहाँ सत्संग मतलब पोस्टपोन हुआ है आपका, बट चलो वो भी आपकी कोई मर्जी है, भलाई है। सो 7 अक्टूबर पता नहीं आंटी के मुंह से निकला, मैंने सबको भेज दिया कि सत्संग हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, हम 7th को सत्संग करेंगे एज पर गुरु जी आ गया। 7th को गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग कराया, संगत आई एंड मेरा बेटा भी तब तक बिल्कुल ठीक हो गया था। अगेन गुरु जी गेव माई हाउस हेल्प जो है मेरा, उसको फिर से उन्होंने दर्शन दिए 3rd time, सपना दिखाया, सपने में साक्षात आए। माई कुक सेज के मैडम, मैंने अच्छा मैं डरी हुई थी, मैंने कहा कि अब तो नहीं ये पोस्टपोन होगा सत्संग, बिकॉज डेंगू के बाद ये नहीं कि बच्चा एकदम आप ठीक हो जाते हो, टाइम लगता है, आपका लिवर थोड़ा सा वीक हो जाता है, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में। सो मेरा को कहता है मैम मुझे सपने में आए हैं गुरु जी, मेरे को सपना आया कि सत्संग हो रहा है एंड आप दोनों भैया और दीदी बहुत सेवा कर रही। मैंने कहा चलो फिर तो होएगा ही होएगा सत्संग, एंड लिटरली सत्संग हुआ एंड मेरे बेटे ने अपने आप उठ के, मैंने कहा बेटे तुम्हें जितनी सेवा कर सको उतनी करना, बिकॉज यू आर स्टिल वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड। कहते नहीं मम्मी मैं करूंगा, उसने नहीं माना, जो वो सेवा करते हैं जल प्रसाद जो भी चाय प्रसाद, उसने सब संगत की मतलब वहां गुरु जी के सत्संग में सेवा की एंड बहुत प्यारा सत्संग कराया। सो व्हाट आई मीन टू से कि गुरु जी की आज्ञा के बिना तो मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम तो बिल्कुल जीरो है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। कर्म तो हमारे कटवाते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, बट हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट जब गुरु जी का हमारे साथ साथ है हमारा तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं, बट हमें अपने भाव और अपने जो कनेक्ट है बिल्कुल स्ट्रांग रखना चाहिए, दैट्स अबाउट इट। सो एंड अब ऐसा हो गया है कि गुरु जी ने लाइफ में जितने नेगेटिव फोर्सेस थे ना सबसे दूर करके इतना प्यारा सा गुरु परिवार दे दिया हमको, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया है, इतनी अच्छी प्यारी संगत है जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हो एंड यू फील सो पॉजिटिव आफ्टर मीटिंग देम। चाहे लिमिटेड क्वालिटी पीपल है लाइफ में, बट वो गुरु जी के दिए हुए प्यारे से सोल्स है। लाइक दैट एक मेरी सिस्टर है, सोल सिस्टर करणवीर, जो गोविंदगढ़ मंडी में रहती हैं, वो मेरे कॉलेज में सीनियर थी, बट आज गुरुजी ने उनके साथ मेरा एक ऐसा कनेक्ट कर दिया है कि शी इज मोर लाइक अ फैमिली टू मी, हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो गए हैं। इतना ब्यूटिफुल एक जर्नी है मेरी उनके साथ, वो जलंधर के टाइम की संगत है एंड एक दिन वो आई हुई थी यहाँ पे गुरु जी के बर्थडे से पहले, लॉकडाउन की बात है जब सब घर घर में सत्संग कर रहे थे। सो मैंने उनको ऐसे मैसेज किया कि मैं वर्चुअल मैं सत्संग करूंगी बर्थडे का कल, तो मैं आपको एक जूम लिंक भेजूंगी तो आप वर्चुअली ज्वाइन कर लेना। तो कहती है तब तक कल लॉकडाउन खुल हट चुका था, बट स्टिल लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स वर देयर के मतलब इतनी संगत नहीं होनी चाहिए, इतने लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए एक जगह, सो दैट वे। तो कहती है हम आपके यहाँ आ जाए, मैंने कहा ऑफ कोर्स आप आके अटेंड करो, मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा पैक योर बैग्स एंड कम। सो शी केम विद द चिल्ड्रन एंड मेरा बेटा कहता है कि चलो अच्छा, उनको एक बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, और मैंने कहा था कि करण मैं आपको मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे वो सेवा दे कि मैं आपको लेके जाऊं आपके साथ बड़े मंदिर। एंड लकीली गुरु जी ने ऐसे किया कि अगर मैं डुगरी जाती हूँ, डुगरी उनके घर से 1 घंटा है, डुगरी जाती हूँ तो हम एक साथ जाते हैं, जलंधर मंदिर गुरु जी ने हमें एक साथ भेजा, हर जगह अमृतसर अभी हम होके आए हर मंदिर साहब, वहां भी गुरुजी ने एक साथ भेजा हमें। सो एक इतनी हमारी एक ब्यूटीफुल फेज चल रहा है लाइफ में, जो हर एक जगह हम गुरुजी की जगह पे हम एक साथ जाते हैं। सो वो आई तो मेरा बेटा कहते हैं आंटी अब भी बड़े मंदिर गए, उन दिनों बड़े मंदिर बंद था पर बाहर से दर्शन अलाउ थे। कहते नहीं बेटे मैं तो जाना है, मैं कहते चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम सब बैठ के गाड़ी में गए, बाहर से ही उनको दर्शन हुए, पर सेवादार अंकल ने बोला कि आप उतर जाओ आराम से खड़े होकर अरदास कर लो। हमें खड़े होने का मौका मिला, गुरुजी ने दिया मौका एंड हमने अरदास की एंड चाय प्रसाद मिला, बाहर बिस्किट प्रसाद भी दिया। देन वी वर कमिंग होम एंड सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कि अब यहाँ तक आ गए तो एम्पायर स्टेट देख लेते हैं, बिकॉज मैं करण को दिखाने के एम्पायर स्टेट जहाँ मैं एक्चुअली गुरु जी से फर्स्ट टाइम मिली थी। तो करण कहती है हाँ हाँ मेरे को देखनी है वो जगह। सो मेरा बेटा कहता चलो कोई बात नहीं, हमने वापस गाड़ी मोड़ी, कहता चलो अब तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को घर फोन किया, मैंने कहा हम जा रहे हैं एम्पायर स्टेट, 8 बजने वाले थे वो, जब हम मंदिर में थे तो मंत्र जाप चल रहा था, 7:30 हम हो गए थे मंदिर में।
7 बजे होंगे, तो मैंने मेरे हस्बैंड कहते अब तो तुम पीक आवर्स में है, फंस जाओगे एंड अंदर तो जाने ही नहीं अलाउड, तो आई थिंक तुम्हें घर आ जाना चाहिए, कल तुमने सत्संग करने तैयारी भी करनी है। मैंने कोई बात नहीं, गुरु जी पहुंचा देंगे। मैंने गूगल मैप खोले, 12 मिनट दिखा रहा था, मैंने कहा 12 मिनट में पहुंचा देंगे यार, जितनी भी देर पहुंचाएं, अब सोचा है तो जाने, शब्द गुरु जी का बुलावा है। हम लिटरली टू बी प्रिसाइज संगत जी, 12 मिनट में वी वर आउटसाइड एम्पायर स्टेट। वहां पहुंचते हैं, गार्ड अंकल को पूछा, कहते हैं बिल्कुल नहीं अलाउड, वैसे भी कोविड का टाइम है। हम थोड़े से मायूस हो गए, मैं कहा अंकल आप एक बार ही तो किसी से पूछ तो लो, हम कहते नहीं आप तो इतने सारे लोग हैं। मैंने कहा नहीं अंकल, उतरेंगे गाड़ी से, मैं और मेरी सिस्टर, हम उतर के गाड़ी बाहर छोड़ देंगे, मेरा बेटा चला रहा था, मैंने कहा बाहर छोड़ देंगे, हम चल के जाएंगे। तो कहते हैं चलो मैं पूछ के देखता हूँ। अंदर उन्होंने किससे पूछा, क्या हुआ, आई डोंट नो, परमिशन मिली, गेट खुला, कहते आप गाड़ी अंदर ले जाओ। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, गए, बट एज प्रोमिस्ड मैं और मेरी सिस्टर उतरे, बच्चे गाड़ी में थे एंड वह सारी फूलों की डेकोरेशन सब चल रही थी। मैंने फूल वाले अंकल को बोला, अंकल मुझे किसी ने तो यहाँ पे परमिशन दी है, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ऑफकोर्स सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी का, उन्होंने बुलाया है, बट वेरी नाइस ऑफ दैट सेवादार अंकल जिन्होंने बोला कि आ जाओ, वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं बाहर खड़े होकर करण को सारा समझा रही थी कि मंदिर अंदर ऐसे जाते हैं, यहाँ गद्दी लगी हुई है अंदर जाके, सो आई वॉज टेलिंग हर एवरीथिंग। तो जब गुरुजी चोले में थे तो वो डिवाइन प्रसाद बांटते थे कई बार, तो हमें भी एक बार ऐसे उन्होंने बांटा था। एंड तो मैं करण को वही बता रही थी कि करण एक बार हम यहीं पे ऐसे गेट के बाहर, बहुत लंबी लाइन थी और गुरुजी ने हमें डिवाइन प्रसाद दिया था अपने हाथ से, सो वेन एंड वो लड्डू प्रसाद था। तो जब मैं करण को ये सुना रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए वो टाइम सोच के, ऑब्वियसली बिकॉज नॉस्टैल्जिया हो गया। एंड मैं इतने टाइम बाद फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट गई, इतने सालों बाद, तो मेरे को एक ऐसा हो रहा था जैसे अंदर मतलब आए कि गुरु जी जैसे अंदर ही बैठे हैं। मैं जैसे उसको बताया, मैंने कहा ऑरेंज कलर वाला लड्डू प्रसाद था, सडनली अंदर से सेवादार अंकल आते हैं बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेके एंड वो कहते हैं आंटी ये लो लड्डू प्रसाद खाओ। आई वॉज लाइक नम एंड करण लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट हर, हम हंसे भी और मेरा रोना भी निकल गया। मैंने कहा अंकल ये मेरे लिए, कहते हाँ जी हाँ जी आंटी लो तुसी लड्डू प्रसाद लो। एंड मैंने कहा अंकल बच्चे गाड़ी में बैठे उनके लिए ले सकते, कहते हाँ हाँ आंटी तुसी आप और लो। एज इफ मतलब गुरु जी ने देखा दैट आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम सो मच, और उन्होंने इट कुड बी एनी अदर मिठाई बट ही सेंट ओनली लड्डू प्रसाद। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम गुरु जी से इतने कनेक्टेड है तो वो हम ही समझ सकते और कोई नहीं समझ सकता। ये यू नो कहते ना अपना कनेक्ट गुरु जी से डायरेक्ट रखो, किसी वायर मीडिया के थ्रू नहीं रखो, ऑफकोर्स एंड कोई किसी के लिए मैसेजेस नहीं देता है, इट इज ओनली योर, हम गुरु जी के स्वरूप से बात करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे बिकॉज गुरु जी साक्षात बैठे हैं, इट इज नॉट ए स्वरूप। अब एक जैसे हम वेलकम बैंड लगाते हैं सत्संग से पहले तो हम कहते हैं कि दरवाजे खोल दो गुरु जी आएंगे, नो हम एक तरफ से कह रहे हैं गुरु जी हमारे घर में है, गुरु जी तो अगर स्वरूप लगाए हुए तो घर में ही है ना साक्षात, तो हम गुरु जी को कहां से बाहर से बुला रहे हैं। हाँ हम उनको गद्दी पे बिठाने के लिए वेलकम बैंड लगा रहे हैं, गुरु जी कम एंड सिट ऑन योर गद्दी, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, राइट। इसी तरह जैसे हम एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे तो जब गुरु जी तैयार होके चोला पहन के अपने कमरे से निकलते थे तो कई बार डीजे अंकल वेलकम बैंड दबा देते थे, नहीं तो यूजली ओकेजन पे चलता था अच साढ़े गुरु अवना जी नो। सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स, संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट आई थिंक आज मैं जितनी मुझे आज्ञा मिली मैं उतनी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ ना हमेशा सोचती हूँ कि आज मैं ये वाला सुनाऊंगी, आज ये सत्संग सुनाऊंगी, बट मैं जब और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे गुरु जी की मेहर है कृपा है, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे सुना चुकी हूँ सत्संग, बट जब सुनाना होता है माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जो मैं गुरु जी कहती हूँ गुरु जी जितना सोचा था मुझे पता है मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, बट जो आप बुलवाओगे वो ही बोलूंगी। सो ऑल आई यू नो प्रे टू गुरु जी इसके सरबत दे भले कि हमें अरदास करनी चाहिए, कहते हैं ना किसी और के लिए अरदास करो तो अपने लिए अरदास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड गुरु जी की रजा में राजी रहे, उनका भाना कहते ना तेरा भाना मीठा लगे, एंड गुरु जी की मर्यादा में रहे। आजकल बहुत संगत जी यू नो संगत बहक रही है, हम सबको पता है कि यहाँ अमृत वर्षा हो गई, यहाँ ये हो गया वो गया, वी डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स बिकॉज़ गुरुजी अगर हमने सत्संग करा है गुरुजी की गद्दी लगाई है तो गुरुजी साक्षात उधर बैठे हैं, हमें कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप ये देखो जो संगत अभी जुड़ी है जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा वो इतने अच्छे सच्चे भाव से गुरुजी को मानती है,
तो फिर गुरु जी को इधर उधर हम क्यों ढूंढ रहे हैं, गुरु जी तो सामने है ना हमारे, साहब हमारे तो दिल के अंदर है, ही इज विद इन अस, सो वी डोंट हैव टू लुक फॉर हिम। एंड सपने गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए हैं सपने में, मुझे कई बारी, बट वो मेरी अपनी ब्लेसिंग्स हैं, उसके थ्रू मैं मैसेज संगत को नहीं पहुंचा सकती कि जिसको भी सपने आ रहे हैं कि गुरु जी ये कह के गए हैं, वो आपकी अपनी ब्लेसिंग्स हैं एंड नॉट नेसेसरी किसी के सपने में नहीं आए तो वो ब्लेस्ड नहीं है। हर किसी को ब्लेस करने का गुरु जी का अलग तरीका है, चाहे वो शब्द गुरबानी के थ्रू आंसर देना, चाहे उनके आप स्वरूप से बात करो, किसी भी तरह से आप गुरु जी से जुड़ो, बट सच्चे भाव से जुड़ो। चाहे आप 5 मिनट बैठ के उनका शुक्राना करो, चाहे आप 1 घंटा बैठो, हर वेला गुरु जी का को याद करने का टाइम है। अमृत वेला उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ सके तो चाहे आप दिन में रात को उठते बैठते सोते जागते जब भी याद करो, हर टाइम गुरु जी का ही टाइम है। सो थैंक यू सो मच बड़े मंदिर सेवादार्स फॉर गिविंग मी यू नो डूइंग दिस ब्यूटिफुल सेवा, एंड सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का कि आपने मुझे ये इतने सुनहरे पल दिए कि मैं आपकी वडियाई आपकी उस्तत कर रही हूँ, एंड इतनी ब्लेसिंग्स हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और सारी प्यारी संगत को भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, सदा भला करो गुरु जी, जय गुरु जी।